मेहमान ने चॉकलेट देकर मासूम का किया कत्ल। 15 दिन से युवक की खातिरदारी में जुटा था परिवार। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मासूम का अपहरण कर हत्या की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। अपहरण करने का मुख्य आरोपित दूर का रिश्तेदार है। ईद मोहम्मद के परिवार वाले करीब 15 दिनों से मेहमान के रूप में उसका सत्कार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस रिश्तेदार के आव भगत में पूरा परिवार लगा है वह मासूम का कातिल निकलेगा। बच्चे के अपहरण से पहले वह बोतल में गर्म पानी लेकर घर से गया था। रामपुर कारखाना के पिपरा मदन गोपाल का रहने वाला मुख्य आरोपित असरुद्दीन करीब 15 दिन पूर्व शहर के कसिया बाईपास रोड कृष्णा कॉलोनी में ईद मोहम्मद के घर पहुंचा था। वह रिश्तेदार में ईद मोहम्मद की मां के मामा का पोत्र है। रिश्तेदार होने के नाते सभी ने उनका स्वागत किया। असरुद्दीन ने उन्हें बताया था कि वह शहर में किराए का मकान लेकर पढ़ाई करता है, इसलिए ईद मोहम्मद ने स्वजन ने उसे शाम व सुबह भोजन कराने के लिए कहा। मृतक नासिर के चाचा हदीश के मुताबिक मुख्य आरोपित असरुद्दीन हर सुबह घर से निकल जाता था, शाम को आता था। रविवार को छुट्टी होने के कारण भतीजा नासिर घर पर मौजूद था। ईद मोहम्मद कही गए थे माँ शेरू निशा, भाभी आसमा खातून, पत्नी ईद मोहम्मद व पत्नी फातिमा व बहन काम में व्यस्त थी। कोई कपड़ा धो रहा था तो कोई घर के अन्य काम में व्यस्त था। मैं समारोह में भोजन बनाने गया था। मुख्य आरोपी असरुद्दीन ने इसका फायदा उठाया। पुलिस के अनुसार अपहरण से पहले उसने बच्चे को चॉकलेट दिया और फुसलाकर बाइक से उठा ले गया।